ऐसा बहुत कम होता है कि हम कोई भी काम करें और उसके पीछे की वजह को ना तलाशें। अगर आप श्राद्ध करते हैं, अगर आप पितृपक्ष के अवसर पर जाते हैं और अपने पितरों को याद करते हैं, उनके लिए पिंडदान करते हैं, तो इसके पीछे की वजह क्या है? आज के आधुनिक युग में हम मोबाइल और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन एक सवाल आपके मन में भी उठता होगा कि आखिर क्यों ज़रूरी है श्राद्ध करना? कि आज का जो आधुनिक एक आम आदमी जो है, आज के समय में हम टेक्नोलॉजी के युग में जी रहे हैं, तो हम हर चीज़ का एक पक्ष, दूसरा पक्ष जानना चाहते हैं। क्यों हम उसको करें, आज के समय में क्यों करें, किसी सदी में आखिर क्या ऐसा कारण है जो हम पितृपक्ष या श्राद्ध जो पक्ष आपका होता है, क्यों उसको बनाएं? देखिए, जब हम संसार में जन्म लेते हैं तो तीन ऋण हमारे ऊपर आ जाते हैं। प्रथम ऋण है देव ऋण, दूसरा ऋण है वह ऋषि ऋण, और तीसरा ऋण जो है वह पितृ ऋण। देव ऋण हम पूजा अर्चना के माध्यम से उसको निवृत्ति उससे हो जाती है हमारी, जो हम पूजा अर्चना अपने घरों में करते हैं, नित्य पूजन जो करते हैं, उससे देव ऋण की निवृत्ति हो जाती है। पितृ ऋण जो ऋषि ऋण है, वो ऋषि ऋण हमारा श्राद्ध तर्पण आदि से दूर होता है, और जो पितृ ऋण है वो पितृ ऋण श्राद्ध से दूर होता है। अब आपका जो बड़ा ही श्रेष्ठ प्रश्न है कि वर्तमान समय में भी क्या श्राद्ध करना चाहिए, तो देखिए, श्राद्ध प्रत्येक मनुष्य को करना चाहिए जिसके माता पिता इस संसार में नहीं है, क्योंकि माता पिता ने हमें इस संसार में भेजा है। देखिए, इसको अगर लें कि वर्तमान समय में कई लोग पूछते भी हैं, कथाओं के माध्यम से भी लोग पूछते हैं कि हमारे माता पिता ने हमारे लिए क्या किया है, हम क्यों उनका श्राद्ध करें, क्यों उनका तर्पण करें। देखिए, संसार में सर्वप्रथम हम यह जानें कि अगर हमें भूख लगी है तो भोजन हमको हमारा पड़ोसी भी दे सकता है, अगर हमारे पास वस्त्र नहीं है तो वस्त्र भी हमारा कोई एक मित्र दे सकता है। प्रत्येक आवश्यकता हमारा मित्र, हमारा पड़ोसी हमारी पूरी कर सकता है। परंतु अगर हमको इस संसार में आना है तो संसार में जन्म देने वाले केवल हमारे माता पिता हैं। उस माता पिता ने अगर हमें संसार दिखाया है, इस संसार में हम इस योग्य आज हो गए हैं, तो ये सर्वप्रथम उन पितरों का ही आशीर्वाद है। जो लोग कहते हैं कि हमें क्यों श्राद्ध करना चाहिए, क्यों तर्पण करना चाहिए, देखिए, अगर हम हमारे जो पितर जो संसार छोड़ करके चले गए हैं, हमारे पिता, हमारे माता, उनकी भी एक उम्मीद, एक आशा हमारे साथ जुड़ी हुई होती है कि हमारा पुत्र अगर उन्नति कर रहा है तो हमें भी उस उन्नति में अपना हकदार बनाए। और जब तक पितर आशीर्वाद नहीं देते हैं तब तक देवता भी हम पर कृपा नहीं करते हैं। देव कृपा तब संभव है जब पितृ कृपा है। इसलिए पितरों को जरूर प्रत्येक को प्रसन्न करना चाहिए, प्रत्येक को इस श्राद्ध पक्ष में अपने पिता, अपने माता, अपने दादा परदादा के निमित्त श्राद्ध करना चाहिए, जिससे उसका जीवन सार्थक होता है। धर्म से जुड़े ऐसे और भी बहुत सारे सवाल और उनके जवाब मिलेंगे आपको यहीं पर। आप हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए धर्म पथ।